हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द क्लास ऑफ आर एंड कॉलेज नारायणपुर प्रीतमपुर। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि जेंडर जो है वो कैसे चेंज होता है मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में। जेंडर का मतलब होता है लिंग। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि लिखा है कि मैस्कुलिन यानी कि और फेमिनिन, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कैसे हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में या मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनाइन जेंडर में बदलते हैं? सामान्य तौर पर आपने देखा कि फादर यानी कि पिता, इसको बोलते हैं मदर, परंतु ऐसा हर बार नहीं होता। जैसे हम लिखा लॉयन, लॉयन का मतलब होता है शेर, तो शेरनी जो होती है वो लॉयन का फेमिनाइन जेंडर होती है, तो हमने वहां पर लिखा है लॉयनस। अभी हमने लिखा कि पोएट, पोएट का मतलब होता है कवि। अब पोएटस, हमने लिखा पोएटस का मतलब होता है कवित्री। आप यहां देख पा रहे होंगे कि हीरो, हीरो यानी कि नायक, इसका जो मैस्कुलिन जेंडर होगा वो हीरोइन। ही गोट मींस बकरा, सी गोट मींस बकरी, पीकॉक मींस मुर्गा और पी हैन मींस मुर्गी। लैंडलॉर्ड जमींदार, लैंड लेडी जमींदार। एक्टर, एक्टर का मतलब अभिनेता और एक्ट्रेस का मतलब अभिनेत्री। सुल्तान, सुल्तान नाम है। अब हम सुल्तान का मैस्कुलिन जेंडर सुल्तानी नहीं कर सकते बल्कि इसका है सुल्तान, क्योंकि एक उर्दू शब्द है। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर जो होता है वो कोई ऐसा रोल नहीं है जो मैस्कुलिन से हम फेमिनाइन कि किसी एक पैमाने पर या किसी एक सूत्र पर कर दें, बल्कि उससे अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग मेथड्स। तो मैस्कुलिन से फेमिनाइन या फेमिनाइन से मैस्कुलिन बनाने के लिए हमें शब्दों का जो है भंडार हमारे पास होनी चाहिए, वोकैबुलरी जो होनी चाहिए हमारी वो तेज होनी चाहिए, तभी हम जाकर मैस्कुलिन और फेमिनाइन जेंडर को एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हैं।